दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जारी धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया। पुलिस द्वारा इन्हें रोकने के लिए विशेष बल तैनात करवाया गया था। नारेबाजी कर रहे ये सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। बजरंग दल का आरोप है कि पुलिस में शिकायत किए जाने के बावजूद संबंधितों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके विरोध स्वरूप बजरंग दल ने दुर्ग कलेक्टोरेट घेराव करने का प्रयास किया, पर वे पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से सफल नहीं हो सके। बाद में प्रतिनिधि मंडल से पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मामले की गंभीरता से जांच कराए जाने और उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि सुपेला दुर्ग जामुल क्षेत्र में ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने की शिकायत बजरंग दल के नेतृत्व में विभिन्न थानों में दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस प्रशासन की कार्यवाही महज प्रभावित पक्षों तक सीमित रहने का आरोप बजरंग दल द्वारा लगाया गया है। वहीं पीड़ितों के बयान भी दबाव पूर्वक बदले जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर बजरंग दल द्वारा यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां भारी पैमाने पर तैनात पुलिस बल ने आगे बढ़ने से उन्हें रोक दिया। इस मौके पर मौजूद ASP सिटी संजय ध्रुव ने धर्मांतरण की शिकायत पर पुलिस द्वारा किए गए बयान बदले जाने के आरोप पर कहा कि यदि इन्हें संतुष्टि नहीं है तो SSP से संबंधितों का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर अब जल्द ही प्रभावितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट आने से पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल कर रखा छत्तीसगढ़ में। उसी परिप्रेक्ष्य में सुपेला में डेरा बस्ती में कुछ पादरियों के द्वारा हमारे लोगों को धर्मांतरित किया गया, जिसका रिपोर्ट हमने दर्ज कराया, लेकिन उसमें FIR नहीं हुआ। उस FIR को लेकर के हमने चक्का जाम किया, हमारी गिरफ्तारी भी हुई, उसके बावजूद वहाँ पर FIR नहीं हुआ। तब आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम फिर से नए पुलिस अधीक्षक जो आए हैं उनको अवगत कराएँ और उसमें FIR तत्काल हो, ऐसी वो लोग योजना बनाए। तब हमने आज मांग जो किया उसमें हमने ये कहा है कि हमारे लोगों का बयान जो दिया गया है वो वास्तविक बयान को ये लोग बदल दिए हैं, कुछ पुलिस वाले। हमने इसकी शिकायत कप्तान साहब से कर दिया है, उन्होंने आश्वासन किया है कि हम एक जांच टीम गठित करेंगे इसके लिए। बजरंग दल के द्वारा आज धर्मांतरण के विरोध में एक रैली और कलेक्ट्रेट के घेराव की बात कही गई थी, जिसके तारतम्य में आज हमारे द्वारा यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने रेल चौक के बीच में बैरिकेडिंग करके बल लगाया गया था। एहतियात के तौर पर गिरफ्तारी पार्टी AD और किवाटी और कलेक्टर के पीछे आगे चारों तरफ बल लगाकर हमने रखा हुआ था कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। सर, क्या मांगे थे इनकी? इनकी मांगे धर्मांतरण को लेकर सुपेला थाना में कुछ लोगों के खिलाफ FIR करने की बात कही जा रही थी धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि संबंधित मामले में वो भी प्रार्थी सामने नहीं आ रहा था। प्रार्थी और तथ्य सामने आने पर ही आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।